आज की कक्षा में हम हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय एक, तो अध्याय में नजर, तो इसमें हमें पदार्थ के बारे में और ठोस पदार्थ, द्रव, गैस इत्यादि के बारे में पता चलेगा। ये वीडियो बहुत अच्छी है, आप लोग पूरा देखिएगा। ओके, तो ठोस में गिनती होती है, ठोस में गिनती होती है, निश्चित आकार होता है उसका, कोई आकार मतलब निश्चित होता है, जैसे टीवी का एक आकार होता है, टीवी का एक आकार होता है, निश्चित हो गया आकार, कोई बहाव नहीं होता, मतलब इधर से उधर नहीं जा सकती, मोड़ मार के नहीं रख सकते उसको, कण अत्यंत आस पास होते हैं। तो ठीक है, कोई निश्चित द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, कोई भी आकार का हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा सीधा उल्टा गोल, बहाव होता है, कणों के बीच स्थान होता है, गैस अनिश्चित आकार होता है इसका, अनिश्चित आकार, अनिश्चित आयतन, बहाव होता है इत्यादि। तो ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन थे, अब मेन क्वेश्चन आ गया। हाँ, अब पदार्थ के बारे में जानते हैं। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहा जाता है। हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु पदार्थ है, टीवी भी पदार्थ है, फ्रिज भी पदार्थ है, हर चीज़ पदार्थ है, जो भी आप यूज़ करते हैं वो सभी पदार्थ की डिक्शनरी में आते हैं। ओके, तो आगे क्या हम पढ़ते हैं। अब कणों के भौतिक गुण जानते हैं। पदार्थ कणों से बना है, यह सतत नहीं है। पदार्थ कण अत्यंत छोटे होते हैं, ठीक है, इसके पदार्थ बहुत छोटे होते हैं, इतने चाहे जितने भी हो सकते हैं, बहुत छोटे छोटे, जो गिन देखा बहुत कम जा सकता है। पदार्थ के कणों का अभिलक्षणिक गुण पदार्थ कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गति ऊर्जा होती है, ऊर्जा ताकत। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जब हम चाय कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह से पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, ठीक है। तो ये है लवण के साथ चम्मच जल लवण डाला, ये तो है, समझ लेना इसको, ये नॉर्मल है। तो इसमें है पानी की धारा, जब हम छोड़ देते हैं तो क्या वो जुड़ी रह जाती है, नहीं, वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाती हैं। इसी को भी इसे कहेंगे पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल जोड़ते रहते हैं। अब हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक रूप से पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस,
अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। हम मानव शरीर को भी पदार्थ के तीन अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं, हड्डी और दांत ठोस अवस्था, ब्लड रक्त ये हो गए द्रव अवस्था में, फेफड़े में हवा गैसीय अवस्था, 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद है। अब ठोस अवस्था, एक निश्चित आकार होता है, ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं, निश्चित या स्थिर आयतन होता है, इनकी सममितीय नगण्य होती हैं, ये दृढ़ होती हैं। ओके, तो उदाहरण में आता है, बल लगाने पर रबड़ का आकार चेंज हो जाता है। रबड़ इतनी बड़ी है तो अगर उसे बल लगाएंगे खींचेंगे तो इतनी बड़ी हो सकती है, इतनी बड़ी और ज़्यादा बल लगाएंगे टूट भी सकती है, तो इसका भी आकार चेंज होता रहता है और टूटने की भी चांसेस होते हैं। पानी के तीन अवस्थाओं में मिलता है, ठोस, द्रव, गैसीय। ठोस में आता है बर्फ, द्रव में आता है पानी और गैस में आता है वाष्प। ये तीन अवस्थाएं होती हैं। गर्म करने के से बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है और पदार्थ के भौतिक अवस्था को दो तरीकों से विभाजित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। गलांक, मेल्टिंग पॉइंट, जिस तापमान पर वायुमंडल दाब पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ गलनांक 273.16 के है। सुविधा के लिए हम इसे 0 सेल्सियस अर्थात 273 के लेते हैं। जब बर्फ पिघलती है, बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता, लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ाने नहीं देती। संगलन की गुप्त ऊष्मा, वायुमंडल में दाब 1 kg ठोस होता है, बस इसके ये उतने मेन क्वेश्चन नहीं है, मेन क्वेश्चंस आते हैं। ये छोटी सी ड्राइंग है, ठोस में आता है ये छोटे छोटे छिद्र, छोटे छोटे, द्रव में ये पानी के अंदर होता है, और ये गैस है। ठोस ये देखिए, द्रव, गैस, ये समझने के बाद तो आज के लिए इतना ही, बस मिलेंगे अगली वीडियो में।